जूसेस से एक्सट्रैक्शन है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन, मैसरेशन, जैसे टॉपिक्स हैं, है ना, लगता है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, परंतु फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उसका बहुत आवश्यकता है ना, एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोसीड फॉर फर्दर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, राइट। जैसे कि हम कहते हैं पंचविध कैसे करना है, उस कहते हैं कि फंडामेंटल प्रिपरेशंस आर बेसिक प्रिपरेशंस कहते हैं हम लोग, राइट। उस बेसिक प्रिपरेशन के कितना आवश्यकता है और उस फंडामेंटल प्रिपरेशन की कितना आवश्यकता है, उसको देखते हुए ये जो टॉपिक्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, वहाँ रखा गया था, राइट। उसी कड़ी में टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द साइज रिडक्शन, राइट। लगता है बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब कि इतना टेक्निकली फील्ड है वो, कि कहीं भी छोटा सा मिस्टेक होने पर कि हम लोग उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा और बना भी नहीं सकते हैं। साइज रिडक्शन मैंने दिस टर्म साइज रिडक्शन इज अ यूनिट ऑपरेशन इज द रिडक्शन ऑफ मटेरियल्स टू स्मॉलर पीसेस टू पोस्ट पार्टिकल्स ऑफ पाउडर। साइज रिडक्शन मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखे था हमने यहाँ क्या कि रिडक्शन मैंने कि कम करना है, राइट। किसको कम करना चाहिए? द मटेरियल को, जो इस यूनिट ऑपरेशन, राइट, ओके, इज अ प्रोसेस, ओके, इन दैट द मटेरियल्स मेड इन टू स्मॉल पीसेस। क्यों करना चाहिए हम जानते हैं, राइट, क्योंकि एज सच बिग साइज मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस आर थेरेप्यूटिकल प्रोसेस ऑफ थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी, राइट। इसलिए कि दैट द मेकिंग द स्मॉलर पीसेस आर समटाइम्स कोर्स पाउडर आर वेरी फाइन पाउडर आर फाइन पाउडर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन इन साइज और साइज रिडक्शन, ओके। उस रिडक्शन में एसिड ड्रग्स दैट आर क्रश्ड आर टू एक्सपोज सेल्स प्रायर टू एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या करते हैं, हम क्रश करते हैं, राइट। कोई भी मटेरियल है आप देखते हैं फॉर्म कभी कभी दे सिट वन प्लेस एंड दे क्रश द मेटल विद द हॉट सब्सटेंसेस, राइट, ओके। तो एसिड ड्रग्स दैट आर क्रश्ड टू एक्सपोज सेल्स, कि प्लांट मटेरियल में सेल्स, इनसाइड सेल्स होते हैं, एक्सटर्नल सेल्स नहीं होते हैं, द सेल्स टू बी एक्सपोज टू द एक्सटीरियर पर्पज, सो दैट देयर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन के लिए वो काम आ जाती है, राइट। सेल कंपोनेंट्स हमको चाहिए, ऊपर आउटर लेयर कोटिंग हमें नहीं चाहिए कभी भी, राइट, सो दैट वी आर मेकिंग स्मॉल पीसेस टू बिकॉज ऑफ एक्सपोज द सेल्स प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन, राइट। एक्सट्रैक्शन मैंने आपके पास बहुत सारी प्रोसेस है, राइट, सिंपल हम करते हैं जूस निकालना है, राइट। जूस निकलते समय भी आप इनसाइड सेल्स का स्क्वीज करते हैं, क्रश करके या मिक्सी करके स्क्वीज कर लेते हैं, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है टू एक्सपोज द सेल्स प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल, ये मीनिंग है बेसिकली, राइट। द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर दी ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेशन, इसे साइज रिडक्शन कहते हैं कम्यूटेशन, राइट। कम्यूटेशन मीन्स क्रशिंग आर मेकिंग ऑफ माइनर स्ट्रक्चर, राइट। जैसे लैटिन वर्ड कम्यूटेशन का जो लैटिन नेम वर्ड जो है मेन्योर, मेन्योर मीन्स टू मेक द मिनिमम साइज और टू मेक द माइक्रो साइज, राइट। दिस इज द कम्यूटेशन, आपके यदि क्वेश्चन भी आता है एंड किसी प्रकार के एजिटेशन नहीं होना चाहिए, द कम्यूटेशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग। देन वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइज रिडक्शन, राइट। दी साइज रिडक्शन ऑब्जेक्टिव आर टू रिड्यूस प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट, एज स्मॉल एज यू रिक्वायर्ड,
nowadays that we are using nanotechnology. Nanotechnology of the metal means that is reduction of the particle size only. But up to some micro and nano particle size, right? ये इसीलिए उपयोग पड़ता है, आवश्यकता है, preparation of suspensions, right? Suspension is a liquid that contains liquid as well as the smaller particles, right? If it is big particles in a suspension, कोई भी medicine ले लीजिए, if it is a suspension form, if the size of the particle is bigger, right? That may settle down at the bottom of the bottle, right? That may look like a separation, right? Solid material and liquid material separation हो जाती है, right? इसीलिए कि particle size बिल्कुल spinless होना चाहिए, so that they can mobile in the suspension form whenever you use, shake well before use, right? When you are using the medicine before the shaking, while shaking, the bottom particles may come into the suspension form, right? So that the particle size should be in a form of particle size reduction should be there, right? Secondly, surface area increase, you all know. हम लोग करते हैं, टंकर शोधन करते हैं, right? इतना सा टंकर ले लीजिए आपको, उसको शोधन कर लीजिए, the particle size will be higher. पूरा बर्तन भर जाती है, right? That indicating that the particle, whenever you wanted to reduce the size of the particles, the volume will be increased, right? Okay? अब इतना थोड़ा सा चून ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, चून कर लीजिए, इतना चून हो जाएगा, right? तो reduction indicating that the particle, the surface area will be increased, volume will also be increased. Right? When volume increases, surface area will also be increased. Right? To facilitate mixing of products. Right? If it is in such a form, whatever to do here, right? Mix करने में ये uniformly mix नहीं होता, दूसरे साथ mix नहीं होता है, right? So that we have to make in mixing form. Uniformity mixing करने के लिए भी आपको fine particle of powder is required, so that is also comes under the size reduction, right? Okay. Then to absorptive properties, the smaller the particle, right, more the absorption, right? Russia's का एक श्लोक है, मुसाने लोहांग रसी बोलती, right? जितना भी मूत हो जाती है, फाइनेस वहाँ बाउंड देते हैं, आपको पुट देते हैं, उस पुट बाउंड के कारण जो है पार्टिकल साइज जो है वे कम हो जाती है, डिसिंटेड हो जाती है, विद दैट द अब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी विल बी देयर, सो दैट मे बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड इन द सिस्टम, राइट? देन सो दैट कैन बी आल्सो बी यूज्ड एज ए फॉर द पर्पस ऑफ अब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसका पार्टिकल साइज छोटा करना अनिवार्य है, right? A rate of drying enhanced, right? Drying means the sukana, right? Sukane ka process bhi jaldi ho jati hai, jitna bhi kam particle hai. Otherwise, more particle size that absorb much more liquid substance, that takes much more time to dryness, right? Isse ki smaller the size and more the dryness, right? A smaller size, instant absorption of the sunlight and immediate release of its heat also, right? So maximum absorption ho jayega and jaldi jo hai wo evaporation bhi ho jati hai, right? The sustained action of the preparation can be produced, right? Aap dekhte hain SR, bahut sa tablet mein aate hain Maestrol SR, right? Or Glynase SR, right? A Glynase MF, right? ये टैबलेट्स ऐसे होते हैं बनने के बाद कि सस्टेन रिलीज होती है, कि कुछ पार्टिकल बड़ा है देर से रिलीज होगा, कुछ पार्टिकल बहुत स्मॉलर साइज में है वह जल्दी आपको जो है बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसे एक सस्टेन रिलीज जो कंडीशंस है उस कंडीशन में भी ये सिस्टम काम करता है, पार्टिकल साइज का बहुत बड़ा रोल होती है, राइट? आप देखते हैं एस्पिरिन
डिस्प्ले टी में देखते हैं, दो ग्लास पानी रखते हैं, फटाफट एक दो टैबलेट डालते हैं, डालते ही एक गुल जाती है, नहीं गुलती है। इनो आप जो जनरल पीते हैं कि ग्लास में डालते ही जो है एफर्मेशंस आ जाती है तुरंत, देन उसके बाद रिजल्व हो जाती है। दैट इज ड्यू टू पार्टिकल साइज ओनली, साथ साथ में बाकी एफर्मेशंस भी, बाकी प्रॉपर्टीज भी है, इसलिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विल बी चेंज्ड ड्यू टू साइज साइज रिडक्शन, राइट। देन यूज फॉर इनहेलेशंस, इफ इट इज बिगर इन साइज आप इनहेल करते हैं, वो जाके नाक में उसे गुज जाएगा, फिर डेथ भी हो सकता है। एंड स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स कैन ऑल्सो यूज फॉर द इनहेलेशंस, जितना भी आपके जो पंप्स हैं, एस्थेरिन आस्थमा संबंधित जो जितने ड्रग्स हैं, दैट कंटेन वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट, ओके। देन कलर टेक्चर चेंज हो जाती है, जितना भी पार्टिकल साइज रिड्यूस होती जाता है, देन कलर टेक्चर उसका जो है आल्ट हो जाती है, सो दैट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज दैट प्रोड्यूस द बॉडी, जो डिजाइन इफेक्ट आप जो चाहते हैं वो डिजाइन इफेक्ट आपको मिल जाती है, राइट। इसलिए कि आयुर्वेद में चूर्ण के बारे में बताते हैं, अत्यंत शुष्कम या द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तस्य चूर्ण रजा क्षोध, राइट। इतना डिफाइन कर लिया है दैट इंडिकेटिंग दैट कॉम्प्लीट साइज रिडक्शन का प्रोसेस आ जाती है, उत्तर नहीं है, इतना फाइननेस होना चाहिए करके बताती है, राइट। तो दैट ओनली वन कोटेशन इज इंडिकेटिंग कॉम्प्लीट प्रोसेस ऑफ द साइज रिडक्शन, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव ये है साइज रिडक्शन का, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स आपको साइज रिडक्शन में अफेक्ट करती है, affecting means producing changes in the materials, right. One is hardness, right. जितना ज़्यादा hardness है, right, उस साइज रिडक्शन करने के लिए आपको उतना ही प्रयास करना पड़ता है, ये आपको प्रोसेस चेंज करने के लिए ये फैक्टर्स हैं, राइट। और यू हैव टू सी द हार्डनेस, हम देखते हैं कि मूल द्रव्य, मध्यम द्रव्य, कठिन द्रव्य, अत्यंत कठिन द्रव्य, चार क्लासिफिकेशन आयुर्वेद बताए गए हैं, उसी प्रकार वहाँ हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगा साइज रिडक्शन के लिए, राइट। टफनेस, टफनेस में भी वही है, इनसाइड समटाइम्स आप देखते हैं शिग्रू, शिग्रू का पेड़ इतना स्ट्रांग दिखता है देखने के लिए, राइट, और आसान से टूट जाती है, हवा ठीक से आए तो टूट के गिर जाती है, राइट। तो सेल्स आर वीक इन द स्ट्रक्चर, राइट, जैसे कि उतना टफनेस नहीं होता है उसमें, वो सॉफ्ट प्लांट में आ जाती है, राइट, ओके। जैसे कि सॉफ्ट हार्ड, देन हार्ड सॉफ्ट एंड एट्सेट्रा जो है ये करते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग जो है इसको क्लासिफिकेशन की गई है प्लांट का जो स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके हिसाब से जो है आप सॉफ्ट है, हार्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, और क्या है क्या नहीं है ये देखना पड़ता है। और साथ में लिक्विड गैस का अर्थ यहाँ यह कि कुछ हॉट मटेरियल है, राइट, उसे क्या करते हैं कि आप जितना भी कंपटिशन करते हैं जो साइड से पहले प्रयास करते हैं नहीं होता है, और उसको पॉइंट ऑफ क्या करते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डाल देते हैं, डालने से दैट बिकम सॉफ्टनेस, राइट। देन उसको आप चून कर सकते हैं, इवन रबर भी आप लिक्विड नाइट्रोजन गैस में रखेंगे 15 मिनट 10 मिनट के लिए, दैट बिकम वेरी सॉफ्ट, उसके लिए आप चून कर सकते हैं, रबर को चून कर सकते हैं, दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस। बट डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली अफेयर है, समटाइम्स एक्सप्लोजन भी होती है वहाँ, ब्लास्ट भी होती है, इसलिए इस प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, जितना हो सकता है मैनुअली करते हैं, राइट, ओके। क्योंकि उस लिक्विड नाइट्रोजन में -100 -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना पड़ेगा आपको, राइट। एक कंपनी है जामनगर में है, राइट, हम लोग क्या करते हैं आंवला चूर्ण आंवला रसन बनाते हैं हम लोग, राइट, आंवला चूर्ण कर देते हैं सिंपल, फिर उस आंवला के चूर्ण के साथ में आंवला जूस के बावन देते हैं, ओके, यही आंवला रसन तैयार करने की पद्धति है। वो लोग क्या करते हैं वहाँ आंवला लेके आते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करके एंड दैट में भी केप्ट फॉर डीप फ्रीजिंग लाइक -75 to -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने से वहाँ की मॉइस्चर पूरा
क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, देन दैट बिकम ए कंप्लीट पाउडर फॉर्म, राइट। उस पाउडर को कैप्सूल डाल के मकलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते, प्योर आंवला है, नो ऑल्ट्रेशन, नथिंग, राइट। क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन इटसेल्फ इज ए इनर्ट गैस, उसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, राइट। सिंगल प्रोडक्ट है उस कंपनी का कि आंवले को -75 to -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफ्रीजिंग करते हैं, करने से उसमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है दैट बिकम क्रिस्टलाइजेशन एंड मेक इन टू द पाउडर फॉर्म दैट विल बी एनकैप्सुलेटेड एंड सेलिंग इन द मार्केट एज आंवले का रस है। भावना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो ये प्रोसेस है, इस प्रकार जो है ये प्रोसेस भी कर लेते हैं, राइट। देन प्रॉब्लम है कि अब्रेजिवनेस, राइट। समटाइम्स कुछ मटेरियल है उसमें बड़ी हार्ड होते हैं, अब्रेजिवनेस होते हैं, राइट। जैसे कि मेटल्स है, फॉर एग्जांपल मेटल को आप चून करना चाहेंगे तो उसमें उसका अब्रेजिवनेस के कारण जो है मेटल के साथ साथ में उस मशीन का टुकड़े भी वो टोन होकर के निकल जाती है, तो मशीन खराब भी हो जाती है उस कंडीशन में। सो धीरे हम देखना पड़ेगा हार्डनेस से, टफनेस से, अब्रेजिवनेस से क्या है देखना चाहिए, स्टिकनेस है। बहुत सारा चार कैसा चून करता है, उसका चून नहीं हो पाती है, राइट। सब जीरा है, राइट। द कंटेन मैक्सिमम होल्डर सब्सटेंसेस, राइट, वो आपको सेलेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो करने का तरीका उसका अलग होते हैं, राइट। हींग है, हींग को आप सेलेक्शन नहीं कर सकते हैं, करने के तरीका अलग होते हैं, राइट। उस वक्त जो है स्टिकने सब्सटेंसेस दे शुड नॉट बी यूज फॉर द सेलेक्शन इन जनरली, राइट। देन सॉफ्टनिंग एंड टेम्परेचर, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और टेम्परेचर कारण भी सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट। यदि वो उसको भी सही डायरेक्शन करने का प्रोसेस करते हैं आपको, दैट यू स्टिक टू द इंस्ट्रूमेंट, मशीन के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैचमेंट हो जाती है, देन वो या मशीन बंद हो जाएगा या टोन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, राइट। इसे वो भी आप कैसे कर सिलेक्शन प्रोसेस बता देंगे, राइट। उसी प्रकार मटेरियल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, किस स्ट्रक्चर में है, किस प्रकार की है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। मशीन का सिलेक्शन और मशीन मजबूत इम्पॉर्टेंट, राइट। प्योरिटी रिक्वायर्ड, राइट। एक ही प्रोडक्ट है, सेम प्योरिटी है, आप आराम से उसी फ्लो में चलता रहेगा, राइट। इफ इट इज कंटेन सम अदर इम्प्योर सब्सटेंसेस, देन विल बी चांस ऑफ टोन ऑफ द मशीन एक्सेट्रा, राइट। इसे कि वो भी अवॉइड करना चाहिए। देन बल्क डेंसिटी, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग ओपन कर लेते हैं और धीरे धीरे इतना इतना डाल देते हैं, इतना नहीं डालना चाहिए था। जितना क्वांटिटी मिनिमम जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर लेती है उतना ही क्वांटिटी वहाँ डाल करके फ्लोर में डालना चाहिए, सो दैट ईजीली ग्राइंडिंग द सब्सटेंसेस, राइट। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ऑन द साइज ऑफ द रिएक्शन, राइट। क्या क्या एनर्जी चाहिए उसके लिए सिलेक्शन करने के लिए, सिंपल ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, लंबी लंबी बड़ी बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड इन टू मशीन एक्चुअली अफेक्ट्स द साइज रिएक्शन, राइट। तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सपोज आपका 10 ग्राम करना है उसके लिए पॉलराइजर यूज नहीं कर सकते आप, राइट। आपका सिलवटा है, पेसल मोटर है, मिक्सी है, जो भी है, राइट। सो दे आर ऑल्सो यूजिंग एज ए सेलेक्शन, घर में करते हैं, मिक्सी में धनिया पीसते हैं, क्या पर्पस है कि मेकिंग ऑफ सेल सिलेक्शन, राइट। तो इस प्रकार जो है आपको मैक्सिमम एनर्जी नहीं चाहिए, मिनिमम एनर्जी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से आप काम कर सकते हैं इसके लिए। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल सिलेक्शन, राइट। आप देखेंगे फार्मेसी में कटर है, राइट, या कलर से कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े, इतना बड़ा टुकड़ा आए तो उसको काट के छोटे छोटे करते हैं, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सेल सिलेक्शन, राइट। सो द मटेरियल इज कट मीन्स ए शार्प ब्लेड और नाइफ और सम बाई ब्लॉक्स, एक्चुअली ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक्स जिससे आप क्रश कर सकते हैं, काट सकते हैं। एप्पल काटते हैं, एप्पल काटने के लिए आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली कैन टेक इट ए नाइफ और ब्लेड समथिंग एल्स, राइट। सो द मटेरियल कट बाई मीन्स ऑफ ए शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ये सॉफ्ट ड्रग्स के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए सही रिएक्शन करने का प्रोसेस है, राइट।
और हार्ट के लिए आप देखते हैं पॉलिसी जो कटर मशीन है हार्ट है उसका जैसे कि टिम्बर डिपोर्ट में होते हैं बड़े बड़े टुकड़े जो है सामने गए तो वो साग काट देती है. सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट यू हैव टू चेंज द योर इंस्ट्रूमेंटेशन राइट. सो कटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द साइज रिडक्शन प्रोसेस राइट. इसका मुख्य उद्देश्य ये था ये भी है एक कि शिप में बहुत सारे हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लेते हैं राइट. सपोज चंदन की एक 10 क्विंटल करना है और बड़े बड़े टुकड़े आ गए हैं राइट. और शिप में करने में बहुत दिक्कत हो जाती है उठा के ले जाने में है. उस ऑर्डर करो इम्पोर्ट करो फॉर एग्जाम्पल तो आपको आसानी से जो है एक 50-60 बोरी हो जाएगी दर कैन बी ईजीली एक्सपोर्ट राइट. ये भी एक प्रोसेस है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी साइलेक्शन का इम्पोर्टेंस है राइट. कंप्रेशन वन इज कटिंग सेकेंड इज कंप्रेशन राइट. कंप्रेशन में द मेटल क्रश विद एप्लीकेशन प्रेशर राइट. कोई भी प्रेशर है आप रख दीजिए दर्जे से प्रेस कर दीजिए राइट. कभी क्या हम लोग जो तेल के जो अपने पास जो मशीन है ना घुमाने वाला तो उसको वो दर्जे से वो कंप्रेशन ही है एक प्रकार का राइट. आप कटिंग कर सकते हैं कंप्रेशन कर सकते हैं राइट. ओके सही डायरेक्शन के लिए देन इम्पैक्ट कर सकते हैं. इम्पैक्ट मीन्स सपोज एक मटेरियल स्टेबल रहेगा राइट और दूसरा आकर के उसको धड़ से मार देंगे जैसे कि हैमर होता है मशीन में हैमर होते हैं. द हैमर इज नथिंग बट कंप्रेशन मेथड राइट. और एट्रिशन में क्या होता है कि मटेरियल स्टेबल रहेगा राइट और प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एट्रिशन. ओके सो इम्पैक्ट में सब्सटेंस हिट बाय मूविंग हैमर राइट एंड द पार्टिकल्स फॉर्मड आर देन थ्रोन अगेंस्ट द केसिंग ऑफ द मशीन. केसिंग से बाहर निकल के आएगा चून होकर के राइट. एट्रिशन में मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज इन कंप्रेशन ड्यू टू ब्रेक ऑफ द पार्टिकल्स राइट. आपको जो मशीन जो हैमर है वो घूमता रहेगा और बीच में मटेरियल आते रहेगी वह धरे से मारेगा मारते ही जो है वह प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सेलेक्शन हो जाएगा फिर नीचे निकल के बाहर निकल के आ जाती है राइट. जितना भी पॉलिमराइजर्स हैं वे बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मेथड से ही बनाते हैं राइट. ओके सो ये है मैकेनिज्म में कटिंग कंप्रेशन इम्पैक्ट एट्रिशन ये मैकेनिज्म है उसका साइज से रिडक्शन करने का जो विधि विधान है राइट. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन राइट. उसमें यूज करने के लिए कटिंग कर लेते हैं कट्टर में यूज़ करते हैं राइट. कंप्रेशन मेथड से यूज़ करते हैं रोलर मिल यूज़ करते हैं. रोलर मिल में दो रोलर चलते हैं दोनों बीच में और मटेरियल बीच में जाती है और वो जो है क्रश हो जाएगा. आप लोग देखो रोल में देखेंगे आप लोग मेरे ख्याल से जैसे कि ये रोल में एग्जाम्पल शुगर केन जूस वाला राइट. एक रोल में ऐसे होते हैं एक रोल में ऐसे होते हैं और बीच में जो है ये पार्टिकल आता रहेगा और ये घूमता रहेगा दोनों और ये क्रश होता रहेगा. ये चलता रहेगा और बीच में जो मेटल है वो यहाँ से ऊपर से आएगा फिर क्रश होते हुए नीचे आते ही छोटे 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 टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इसको हम लोग मैं करते हैं राइट. ओके ये एक पद्धति है. और गन्ने का जो जूस निकलता है क्रश एक्सप्रेशन वाला वो भी दो रोलर होते हैं बीच में और बीच में डाल देते हैं और क्रश करके बाहर निकल जाते हैं राइट. वो भी एक मैकेनिज्म है. हैमर मिल बहुत सारे हैमर मिल मिलते हैं बड़े बड़े मिल्स हैं पॉलिमराइजर्स में है. देन बॉल मिल आप देखते हैं छोटे छोटे बॉल मिल है ना. बॉल मिल में क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर से जो है टकराती है और छोटे छोटे बॉल होते हैं वो बॉल उसको जैसे गिरते हैं गिरते ही जो है उसका छोटे छोटे टुकड़ा हो जाती है कन्वर्शन हो जाती है तो यूज फॉर द साइज रिडक्शन राइट. देन वेट ग्राइंडिंग हम सब जानते हैं वेट ग्राइंडिंग कि मिक्सी में पीसते हैं राइट और वो ग्राइंड से भी आपके साइज रिडक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग राइट. देन मैनुअल साइज रिडक्शन बहुत सारे मैनुअल करते हैं हम रसास में बैचलर में मैनुअली रिडक्शन करते हैं राइट. लाइक ट्रैचुरेशन राइट. इतना बड़ा गंदक ले लिया है उसको मर्दर करते 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 बिल्कुल पॉइंट पाउडर फॉर्म में जाते हैं. सो ट्रैचुरेशन राइट. लेविगेशन ट्रैचुरेशन अलग है लेविगेशन अलग है. लेविगेशन में क्या करते हैं कि उस मटेरियल में थोड़ा सा
जूस डालते हैं हम लोग, जूस है, पानी है, जो भी है वे डाल करके उसे मर्दन करते हैं, नेविगेशन कर लेते हैं, उससे भी सही वैक्सीन कर लेते हैं ओके। देन पॉलमराइजेशन भी करते हैं, पॉलमराइजेशन कारण और ये भी एक कारण बनती है सही वैक्सीन करने के लिए राइट। इसलिए कहते हैं कि सहस्र पुट पक्षी तो पोटेशन वहीं आ जाती है, मर्दनम पुटन भवेद या मर्दनम गुणवर्धन राइट। गुणवर्धन का उद्देश्य ये था कि द मेक इन टू द ड्रग इन टू स्मॉल द पार्टिकल्स राइट। और स्मॉल पार्टिकल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन जल्दी हो जाएगा राइट ओके। बाकी जो प्रोसेस है वो सब हो जाएगा राइट। थेरेप्यूटिक एफिकेसी मिलेगा, कलर चेंज होगा, टेक्सचर चेंज होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है राइट। सो इसलिए कि इतने साल जो आपका पास मेथड्स उपलब्ध है ना, अब कुछ भी नहीं है, सिल्वर लेवल पीस में एक आती है MTR का मसाला आती है आजकल टी वी में है ना, वो 15-20 लंबे रेंज बैठते हैं, एक टाइप का बंदा घूमता रहता है वहाँ करके कि MTR मसाला यूज़ करो, देसी लोग से हम तैयार करते हैं राइट। सो दैट इज नथिंग बट रिडक्शन इन द प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस ये हो गई राइट। देन साइज अभी तक रिडक्शन कर लिया हम लोग, प्रोटीन कर लिया है, प्रोटीन करने के बाद साइज चलो नेक्स्ट में आएंगे, अभी यहाँ आएंगे तो आएंगे अपना क्लास आगे देख लो, 2-5 मिनट आए तो बता देना मुझे ओके। साइज सेपरेशन राइट, कि ये आपके टॉपिक में है, ये मैं उतना ही करेक्ट रिडक्शन कहता हूँ। साइज सेपरेशन में यूज आफ्टर मेकिंग अ पाउडर, सेपरेशन ऑफ पाउडर इनटू फ्रैक्शंस नोन टू द नोन एज द पार्टिकल साइज राइट। स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल सिंबल, बट स्टेट दैट द डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ पाउडर इज डिफरेंशिएटेड एक्सप्रेशन इन द साइज ऑफ द मेजर दैट यूज इन द व्हेन द पाउडर इज मेकिंग नोन दैट कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ सीव्स राइट ओके। और सीव्स आर डिफरेंट इन नेचर, आप जानते हैं सबको राइट। ये एक सीव है, ये है, अब दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं राइट। फ्लोर से ऐसा करो, ऊपर बंद करो, ओके फिर भी नहीं आ रहे ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। सो मॉडरेटली कोर्स जनरली हम करते हैं, कोर्स पहले सबसे पहले कोर्स कोड आते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कोर्स कोड को यवकूट बोलते हैं। उस यवकूट का मतलब है कि दर शुड बी पॉसिबल टू 10 अपर्चर ऑफ ए सीव राइट। तो 10 नंबर की जो सीव है उसे पास होना चाहिए राइट, दैट इज कॉल्ड कोर्स कोड राइट। दूसरा है मॉडरेटली कोर्स कोड राइट, वन इज कोर्स कोड, सेकेंड इज मॉडरेटली कोर्स कोड राइट। मॉडरेटली कोर्स कोड दैट हैज टू बी पास थ्रू द 22 नंबर ऑफ सीव राइट, 10, 22। देन आती है मॉडरेटली फाइन पाउडर, सॉरी मॉडरेटली फाइन पाउडर राइट। उस मॉडरेट फाइन पाउडर जो है वो 44 सीव में पास होना चाहिए, 44 नंबर सीव से पास होना चाहिए राइट। देन फाइन पाउडर जो है दैट इज 85 नंबर सीव से पास होना चाहिए। देन वेरी फाइन पाउडर दैट हैज़ टू बी पास थ्रू द 120 मेश होना चाहिए राइट ओके। ये इसका सेपरेशन का नियम है, उसको पास करना चाहिए राइट, दैट वी कैन अचीव द टारगेट दैट दिस इज ए फाइन पाउडर, दिस इज पाउडर कोर्स पाउडर, दिस इज ए मॉडरेट कोर्स पाउडर, दिस इज ए मॉडरेटली फाइन पाउडर, दिस इज ए वेरी फाइन पाउडर राइट। तो जो सेपरेशन का कंडीशन आती है दिस हैज़ टू बी फॉर द सेपरेशन, देन एटलीस्ट इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रख के आपको उसको सही सेपरेशन यूज कर लेंगे। बाद में हम चर्चा करेंगे कि क्लास के बाद आपके पास कल होगा।